नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्योति पर। दोस्तों, नवग्रहों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे एक नए ग्रह जुपिटर के बारे में। जुपिटर जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति के भी नाम से जाना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जिसकी दृष्टि में अंतर है, जिस घर को देख लेते हैं उस घर को बहुत अच्छा कर देते हैं, जिस ग्रह को देख लेते हैं चाहे वो नीच राशि में ही हो चाहे शत्रु राशि में ही हो उसको भी अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस तरह दीपक जसता है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, उसी तरह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं जिस घर पर बढ़ती हैं उसमें उजाला कर देती हैं, अच्छा कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, दीपक तले अंधेरा भी होता है, इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जुपिटर स्थान हानि करते हैं, जिस घर में बैठते हैं उसकी थोड़ी बहुत हानि करते हैं। तो दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों जुपिटर को मेष लग्न की कुंडली में 9th हाउस और 12th हाउस का स्वामित्व प्राप्त है। 9th हाउस आपका त्रिकोण भाव है, 9th हाउस में धनु राशि बनती है और 12th हाउस में आपकी मीन राशि बनती है। 9th हाउस जो धनु राशि है वो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है, जबकि मीन राशि है वो जुपिटर की साधारण राशि है, जबकि उच्च राशि कर्क राशि है जुपिटर की। तो त्रिकोण हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस त्रिकोण हाउस है। इस 9th हाउस को भाग्य भाव भी कहा जाता है, आपका लक, आपकी डेस्टिनी भी कहा जाता है। जब भाग्य भाव का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी जुपिटर फर्स्ट हाउस में आके बैठेगा तो कैसा परिणाम देगा, आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई प्लेनेट किसी घर में जाके बैठता है, किसी हाउस में जाके बैठता है, तो उस हाउस में उस प्लेनेट की क्वालिटी जा जाती है। तो जुपिटर की क्या क्या क्वालिटीज हैं? जुपिटर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, नेचुरल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर। तो जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ऐसा इंसान विद्वान होगा, ऐसा इंसान को नॉलेजेबल पर्सन होगा, ऐसा इंसान टीचर हो सकते हैं, उपदेश देने वाला हो सकता है, ऐसा इंसान दूसरों की मदद करने वाला, उदार, ऐसा इंसान संतोषी होगा, हेल्पफुल नेचर होगा, कोऑपरेटिव इंसान होगा। दोस्तों, जब 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा, मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में ही जाएगा, तो केंद्र त्रिकोण राज्य को बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी है। तो 9th हाउस से जो ये जो कार्यकर्ता है उनमें वृद्धि कर देगा बहुत ज़्यादा। अब 9th हाउस से किसको देखा जाता है? पिता को देखा जाता है। तो ऐसा इंसान पिता को सिर आंखों पर रखने वाला होगा, पिता का मान सम्मान करने वाला होगा, पिता की इज्जत करने वाला होगा, पिता से उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला होगा। 9th हाउस से धर्म को देखा जाता है, तो ऐसा इंसान धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक कर्म कांडों में क्रियाकलापों में भाग लेने वाला होगा, ऐसे इंसान को धर्म का ज्ञान भी बहुत होगा, ऐसा इंसान धार्मिक यात्राएं भी बहुत करेगा। 9th हाउस से आपके गुरु को भी देखा जाता है, तो गुरु को बहुत रेस्पेक्ट देगा, मान सम्मान देगा, गुरु को सर आंखों पर रखेगा। यहाँ से फॉरेन ट्रेवल भी की जाती है, तो यहाँ ऐसा इंसान फॉरेन ट्रेवल्स भी करने वाला होगा, फॉरेन ट्रेवल्स। यहाँ से हायर एजुकेशन देखी जाती है, तो हायर एजुकेशन कंप्लीट करेगा, अपनी हायर एजुकेशन को से रिलेटेड ये फॉरेन ट्रेवल्स कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से 12th हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में आया, 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का है, तो ऐसा इंसान खर्चा करने वाला ज़्यादा होगा, खुद पर ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस आपकी फिजिकल अपीरियंस है, तो खुद पर ज़्यादा खर्चा करेगा। 12th हाउस आपके लॉसेज का है, तो ऐसा इंसान को कभी कभी लॉस भी होंगे जीवन में, लॉस भी होंगे कभी कभी। ये बीमारियों का भी घर है, तो ऐसे इंसान को कभी कभी हेल्थ इशूज भी रह सकते हैं, हेल्थ इशूज भी रह सकते हैं। 12th हाउस आपके फॉरेन सेटलमेंट का है, तो ऐसा इंसान हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए, जॉब शॉब्स के लिए फॉरेन ट्रेवल्स करें। तो यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा दोस्तों। अब जुपिटर की जो दृष्टियाँ हैं वो फिफ्थ हाउस को देखता है, 7th हाउस को देखता है, 9th हाउस को देखता है। तो दोस्तों, यहाँ से 5th हाउस क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 5th हाउस क्या होता है? अब जुपिटर जिस भी घर को देखेगा ना, उस घर को बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टियाँ हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ, वो अमृत के समान है। तो 5th हाउस से आपकी संतान देखी जाती है, तो संतान का सुख देगा आपको, संतान का सुख देगा। लव रोमांस देखा जाता है, तो लव रोमांस में आपको सफलता दिलाएगा, लव रोमांस में आपको बढ़िया लाइफ पार्टनर मिलेगा। 5th हाउस से आपकी एजुकेशन देखी जाती है, ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी एजुकेशन को बहुत अच्छा करेगा। 5th हाउस से अनसर्टेन गेन देखे जाते हैं, तो आप अनसर्टेन गेन जैसे स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, जुआ, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। 5th हाउस से आपकी आर्ट क्रिएटिविटी देखी जाती है, तो आर्ट क्रिएटिविटी में आप एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी के मालिक हो सकते हैं। 5th हाउस से आपकी
पास्ट लाइफ के कर्म को देखा जाता है, पूर्व जन्म के कर्मों को देखा जाता है, तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आप इस जन्म में बेनिफिट ले सकते हो। संतान को देखा जाता है, तो संतान होने के बाद में संतान बहुत अच्छी होगी, आपकी आज्ञा मानने वाली होगी, आपको इज्जत देने वाली होगी, संतान के बाद आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। अब सेवंथ दृष्टि से सेवंथ हाउस को देखेगा, सेवंथ हाउस आपकी वाइफ का हाउस है, आपके पार्टनरशिप का हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप हो गया, जीवन में जो पार्टनरशिप आपकी आपकी वाइफ से होती है उनको देखेगा, तो ये दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा कर देगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन में आपको सुख मिलेगा, वाइफ का सुख मिलेगा। आपकी वाइफ धार्मिक हो सकती है, पूजा पाठ करने वाली होती है, पूजा पाठ करने वाली होगी, दयालु नेचर होगा उसका। आप बिजनेस पार्टनरशिप को भी देखा जाता है, तो आप बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप होगी वो आपके साथ ईमानदार रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, और आप बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ करोगे। अब नाइन्थ दृष्टि से ये अपने ही घर को देखेगा, तो अपने घर को बहुत अच्छा कर देगा, ये बहुत अच्छा कर देगा। नाइन्थ हाउस धर्म का है, तो धर्म का ज्ञान रखने वाला, धर्म को मानने वाला होगा, पिता की बहुत इज्जत करेगा, गुरु की बहुत इज्जत करेगा, हायर एजुकेशन ले सकता है वो जाना, ऐसा इंसान टीचर बन सकता है। दोस्तों जुपिटर को सुख देने वाला ग्रह कहा गया है, सुख संतान का सुख, भूमिवान मकान का सुख, धन का सुख, देने वाला कहा गया है, ज्ञान का सुख देने वाला कहा गया है। तो जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, केंद्र, फर्स्ट हाउस को केंद्र भी कहा गया है, त्रिकोण भी कहा गया है, यदि जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा, त्रिकोण केंद्र में बैठ जाएगा, तो ये सारे दुखों को नाश करने वाला, हरने वाला हो जाएगा। तो दोस्तों जुपिटर की फर्स्ट हाउस में पोजीशन बहुत अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।